बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 13 के चलते ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स मशहूर हुए बल्कि घर के बाहर रहकर इन्हें सपोर्ट करने वाले करीबियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस लिस्ट में पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड का नाम सबसे ऊपर है। शो के दौरान आकांक्षा पुरी ने पारस छाबड़ा को काफी सपोर्ट किया था और उनकी तरफदारी करने के लिए वो एक बार शो पर भी आई थी। ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि शो के चलते ही आकांक्षा पुरी और पारस छाबड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग ही हो गए। आकांक्षा पुरी भले ही बिग बॉस 13 का हिस्सा ना रही हो लेकिन उनकी चर्चा किसी कंटेस्टेंट से कम नहीं हुई। ऐसे में कई लोग अनुमान लगाने में लगे हुए हैं कि कहीं वो सीजन 14 का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। आकांक्षा पुरी खुद ही इस मामले में सामने आ चुकी है और दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बिग बॉस 14 का जिक्र किया। आकांक्षा पुरी ने कहा, यार क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बिग बॉस 14 शुरू होगा? बहुत कुछ हो रहा है, इस समय शो बंद हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि फिर से शूटिंग शुरू भी होगी या नहीं और चीजें जल्द ही ठीक होंगी या नहीं। मुझे इस बात का पता नहीं है कि इस बार ये शो होगा या नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं विघ्नहर्ता गणेश में पार्वती का रोल अदा करके काफी खुश हूँ और मैं जल्द से जल्द इसकी शूटिंग शुरू करने के लिए बेताब हूँ। बिग बॉस 14 या फिर किसी नए शो के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। देखते हैं कि ये जिंदगी कहाँ लेकर जाती है। मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं आगे नई नई चीजें ट्राई करना चाहूँगी। अब तक बिग बॉस 14 के लिए शुभांगी अत्रे, जान खान जैसे कलाकारों को इस शो के लिए अप्रोच किया जा चुका है। अब देखना होगा कि बिग बॉस 14 के मेकर्स इस बार शो पर किसे बुलाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।